नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, रामजल जिले में किसानों ने DMFT योजना के तहत संकर भिंडी उगाई है। खास बात यह है कि जिले में कुल 2500 किसानों ने संकर भिंडी उगाने का काम किया है। भिंडी में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से बॉडी के अंदर काफ़ी सारे विटामिन और पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वही होती है। यही वजह है कि बीमार पड़ने पर डॉक्टर फिर रोगी को भिंडी की सब्जी खाने की सलाह देते हैं। ऐसे तो मार्केट में हमेशा भिंडी मिलती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसका जो उत्पादन है वह अधिक होता है। इसके चलते इसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है। इसी बीच खबर है कि किसानों ने एक ऐसी संकर भिंडी उगाई है जिससे बंपर पैदावार मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के रामसमंद जिले में किसान साथियों ने नई सफलता पाई है। किसानों ने DMFT योजना के तहत संकर भिंडी उगाने का काम किया है। 250 किसानों ने भिंडी की खेती की है। वहीं कृषि अधिकारी आमेट रक्षा पारिक ने कहा कि किसानों ने खेत में संकर भिंडी उगाकर जो ये सक्सेसफुल जो परीक्षण किया है उससे किसान साथियों को काफ़ी भविष्य में लाभ होगा। मार्केट में भिंडी अभी 80 से 100 रुपये तक की बिक रही है। यदि एक किसान पूरे सीजन 100 किलो भिंडी बेचते हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफा है वो हो जाएगा। ऐसे तो बारिश होने पर लौकी, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, अन्य जो सब्जियां हैं उन पर उनके पौधों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितनी ज़्यादा बारिश होगी भिंडी का उत्पादन भी उतनी ही तेज गति से होता है, उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। किसान साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेष योजना शुरू की है जिसका नाम सौर उत्पादक एवं अधिगम परियोजना है। इस योजना के तहत निजी और सरकारी संस्थानों के रूफ टॉप पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 70% और निजी संस्थानों को 30% अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा यह इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर 1 से 3 किलोवाट का पावर प्लांट लगवा सकता है। इसके हिमाचल सरकार भी 20% तक अनुदान देने का काम कर रही है। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट की ऊर्जा उत्पादन भी उस संस्थान के लिए निशुल्क होता है जिससे वह स्थापित होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के संस्थानों द्वारा उत्पन्न बिजली का जो खर्च है उसको घटाया जा सके और वे स्वतंत्र ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करके अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह योजना हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम है जो स्वतंत्रता से बिजली उत्पादन करने में मदद करेगा। झारखंड सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। इस राज्य में रोजगार तो बढ़ेगा ही, इससे लोगों की जो आर्थिक हालत है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। सरकार ने राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों में किसानों में काफ़ी लाभ होने वाला है। इसका सबसे बड़ा लाभ पलामा जिले के लोगों को मिलने जा रहा है। राज्य सरकार का कहना कि राज्य के हित के लिए यह कदम पिछली सरकारों को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन देरी से ही हमने जनता के हित के लिए यह फैसला लिया है। आपको बता दें, पलामू जिले का कुदरी ला बागान करीबन 400 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा लागा बागान है। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर हर साल सरकार को लगभग 500 से लेकर 130 करोड़ की आमदनी होती है। पिछले कई साल से इस बागान में रोजगार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन सरकार के इस कदम के बाद इस बागान में ला का जो उत्पादन है बढ़ेगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा। यहाँ के आसपास के हजारों ग्रामीणों के लोग यहाँ पर आय का स्रोत होता था। आंकड़ों के मुताबिक इस खेती के शुरू होने से लगभग 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ला का उत्पादन एक साल में 2 बार किया जाता है। यहाँ के कुंदरी ला बागान में इस समय लगभग 90,000 पसाल के वृक्ष हैं, जिससे एक साल में लगभग 40 करोड़ रुपए के लाख का उत्पादन किया जा सकता है। बिहार कृषि विभाग का कहना कि हरिमन 99 किस्म बिहार और उत्तर प्रदेश के मौसम के लिए अनुकूलित है। ऐसे में दोनों राज्यों के किसान इसकी खेती कर सकते हैं। बेगूसराय के किसान ने पारंपरिक खेती करने वाले किसान के सामने मिसाल पेश की है। किसान ने बिहार जैसे गर्म मौसम के प्रदेश में भी सेब की खेती करके लोगों को चौंका दिया है। उसने हरिमन 99 किस्म की खेती शुरू की है। खास बात यह है कि बिहार सरकार भी प्रदेश में सेब की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए वह किसानों को सब्सिडी दे रही है। ऐसे में किसानों के पास हरिमन 99 किस्म की खेती करने का अच्छा मौका सामने आया है। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी की जो खबरें हैं हम नित्य प्रति आपके सामने लेके आते रहेंगे। हमारी जो खबरें हैं उनसे आपको जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी और आपको प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। किसान साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी विषय पर कोई राय चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। किसान साथियों, खेतीबाड़ी की अन्य खबरें जानने के लिए, कृषि संबंधी अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।